अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बेहद इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वजीफा जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आप परेशान हैं और आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशानियां चल रही हैं, कोई ऐसा शख्स है जो आपको बेहद पसंद है लेकिन आपकी बात नहीं सुनता है, आप चाहते हैं अपने मन की बात उसे बताना लेकिन कुछ भी करें आपकी आपस में लड़ाई हो जाती है या झगड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से आप उन्हें अपने मन की बात नहीं बता पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा वजीफा जो अगर आपने सिर्फ एक बार कर लिया तो वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए आपकी बाहों में होगा, आपके मन की बात समझने लग जाएगा, चाहे वो आपका शौहर हो या आपकी बीवी हो या आपका कोई प्रेमी हो। आप इसके अगर आपने ये अमल एक बार कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मसले चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसे करने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ थोड़ा सा चावल चाहिए होगा, कच्चे चावल जो आपकी रसोई में आपको मिल जाएंगे वहां से आपको लेकर आने हैं एक मुट्ठी, और उसके बाद आपको ये वजीफा करना है। एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि ये वजीफा सिर्फ तभी करें जब आपकी जो मंशा है वो बिल्कुल जायज हो, किसी भी नाजायज तरीके के लिए या कोई भी अगर आप नाजायज कुछ पूरा करना चाहते हैं उसके लिए इसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये वजीफा सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाजत मिलेगी जिनको जायज कुछ पाना है, जायज काम करना है या फिर आपको अपनी मोहब्बत को पाना है जिसे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, उसी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको एक मुट्ठी कच्चे चावल की जरूरत है। आपको कच्चे चावल अपने हाथ में लेने हैं, सीधे हाथ में, और उसके बाद आपको अपने बिस्तर पे बैठ जाना है। जब आप सोने वाले होंगे उससे थोड़ा पहले आपको ये वजीफा करना है दोस्तों। तो अपने हाथ में चावल ले लीजिए और उसके बाद आपको इस अमल को पढ़ना है। इस अमल को पढ़ने के बाद आपको उन चावलों पर दम कर देना है और चावल को ले जाकर आपको अपने बिस्तर के नीचे दबा देना है, यानी कि सारे जो चावल है उसे आप एक कागज में लपेट दीजिए और उसके बाद आपका जो बिस्तर है उसके नीचे आपको इसे रखना है। दोस्तों, यकीन मानिए, आपको इसके लिए ना तो किसी की तस्वीर की जरूरत है, ना आपको घर के बाहर जाने की जरूरत है, घर के अंदर ही बैठे बैठे आप ये वजीफा कर सकते हैं और जिसका आपको जो असर है वो तुरंत देखने के लिए मिलेगा। तो इसे करने के लिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आप किसी भी रोज इसे कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, आप किसी भी रोज किसी भी वक्त कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप सोने वाले हों उससे पहले ही आपको इसे करना है। आपको इसे 3 रोज तक करना है दोस्तों, बिना नागा, यानी कि आपको आज कल परसों ऐसे करके 3 दिन आपको इसे करना होगा। और जो चावल आपने लिए है एक ही बार आपको चावल लेना है, उसको बार बार बदलना नहीं है। पहले दिन आपने चावल लिए, उनके ऊपर आपने अमल पढ़ के और दम कर दिया, दूसरे दिन उन्हीं चावलों को निकालना है और अमल पढ़ के दम करके और उसके बाद बिस्तर के नीचे आपको दबाना है, तीसरे रोज भी ऐसा ही करना है। उसके बाद दोस्तों आपको, आप देखेंगे कि जब आप पहला रोज जब आप इसे पूरा कर रहे होंगे उसी दिन आपका जो काम है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको इसे 3 रोज तो करना ही है, बीच में इसे छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अमल जानना चाहते हैं, अगर आपकी जो भी आपकी इच्छा है वो जायज है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर आपको वीडियो के टाइटल में मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, मौलाना जी से भी बात कर सकते हैं। अगर आप इस वजीफे को खुद नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शब्बा खैर।